30 डेज शॉर्ट्स ग्रो चैलेंज। क्या सच्ची में 30 डेज शॉर्ट्स अपलोड करके चैनल ग्रो हो सकता है? तो मैं डेली 30 डेज शॉर्ट्स अपलोड करूंगा, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। लेकिन मैं जानता हूं आपका भी शॉर्ट्स चैनल है या था, और आपके शॉर्ट्स का रिटेंशन 100% या उससे ज्यादा होने के बाद भी वीडियो वायरल नहीं गई, लेकिन क्यों? इसका आंसर भी ये वीडियो के एंड तक पता चलने ही वाला है। लेकिन ये 3 बार लेकिन बोलने की आदत कब जाएगी बे तेरी? जब तू मेरे वीडियोस में आना बंद कर देगा तब। तो ये 30 डेज चैलेंज करा ही क्यों मैंने? इसकी कहानी शुरू होती है 2022 दिसंबर में, जब मैं टोटली डिप्रेस हो चुका था, क्योंकि मेरा गेमिंग चैनल में काफी स्ट्रगल हार्डवर्क करने के बाद भी टाइम लक ने मेरा साथ ही नहीं दिया। जो गेम पे ग्रो होता था वो गेम बैन हो जाता था। सो जस्ट थिंक, जो हर महीना काफी बढ़िया पैसा यूट्यूब से छाप रहा है, लेकिन सब चीजों की वजह से काफी बुरा डाउनफॉल हो गया, और जले पे नमक छिड़कने के लिए यूट्यूब ने स्ट्राइक भी मार दी। उसके बाद मेरे माइंड में लूप में बस एक ही गाना चलते जा रहा था। सो आई डिसाइड स्टार्टेड न्यू शॉर्ट्स चैनल विद 30 डेज चैलेंज। मैंने ESMR शॉर्ट्स चैनल स्टार्ट करने का सोचा, क्योंकि काफी फॉरेन क्रिएटर लॉन्ग कंटेंट पे बढ़िया व्यूज ले रहे थे। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी शॉर्ट्स चैनल स्टार्ट करूं। सो मैंने प्रज एनिमेशन नाम से चैनल बनाया, लेकिन सडनली आई रियलाइज मुझे तो एनिमेशन आता ही नहीं। मैंने कॉपी पेस्ट स्ट्रेटेजी का यूज किया, जहां मैं मेरे निश के बड़े क्रिएटर्स के वीडियो डाउनलोड करके थोड़ा एडिटिंग करके खुद का वॉइस ओवर से उसको अपना कंटेंट बनाया। और ये सेम स्ट्रेटेजी आप भी यूज कर सकते हो कोई भी निश में, लेकिन ज्यादा कॉपी मत करना, नहीं तो मोनिटाइज में आगे दिक्कत हो सकती है। आज ये चैलेंज का day 1 और ओनली 29 व्यूज आए हैं, जिसमें ऑडियंस रिटेंशन 200% का है, जो काफी तगड़ा है। तो भी व्यूज क्यों नहीं आए? इसका आंसर तब मेरे पास बिल्कुल नहीं था, एंड day 2 में भी 70 अबव व्यूज आए हैं 100% ऑडियंस रिटेंशन के साथ, तो भी व्यूज फ्रीज हो चुके हैं। आज है चैलेंज का day 3, ओनली 45 व्यूज विद 90% रिटेंशन। ये देख के मुझे इतना फ्रस्ट्रेशन आया एंड गुस्सा आया ना कि वाई मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है? इतनी मेहनत करके अच्छा रिटेंशन ला के भी व्यूज नहीं आ रहे। सो मैंने थोड़ा एनालाइज किया, उसके बाद मुझे एक चीज पता चली जिसकी वजह से व्यूज फ्रीज हो रहे थे, दैट इज कमेंट लाइक रेशो। शॉर्ट्स में कमेंट लाइक रेशो अच्छा नहीं होगा तो वीडियो के व्यूज फ्रीज होना निश्चित ही है। इसलिए जब भी मुझे कमेंट या टेलीग्राम में जो भी बंदा बोलता है, प्रज भाई अच्छे व्यूज नहीं आ पा रहे, व्यूज स्टॉप हो रहे अच्छा रिटेंशन होने के बाद भी, इसके पीछे के रीजन यही है। सो मैंने नेक्स्ट शॉर्ट में इम्प्लीमेंट किया एडिटिंग में कुछ ऐसे चीज की जिसकी वजह से ये रेशो अच्छा हो सके, एंड day 5 में सडनली थोड़ा रिजल्ट मिला, 147 व्यूज आए, जो देख के थोड़ा अच्छा लगा। आज है चैलेंज का day 7 और व्यूज आए हैं 404, जो काफी डिसेंट ठीक ठाक व्यूज है। और हाँ गाइज, ये मंथ एंड होने तक हमको कुछ भी करके 2000 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन हिट करना है। सो दबा के सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करना अगर दिल से कंटेंट अच्छा लगता है तो। आज मुझे वीडियो अपलोड करके 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन व्यूज 700-500 ऐसे ही आ रहे हैं। तो मैंने फिर से एनालाइज करना स्टार्ट किया, मेरे व्यूज फ्रीज क्यों हो रहे हैं? तो एनालाइज करने के बाद मैंने नोटिस किया, तो बाद में मुझे पता चला मेरे वीडियोस शॉर्ट्स फीड में जा ही नहीं रहे। बट वाई सडनली आई चेक आउट माई ओन वीडियो फ्रॉम अनदर अकाउंट, आई नोटिस मेरा शॉर्ट्स वीडियो का रेशो जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। सो उसके बाद मैंने हर वीडियो का रेशो 9:16 या 1:1 में अपलोड करना स्टार्ट किया। उसके बाद day 11 में 1.9 के व्यूज आए, जो देख के मुझे अंदर से इतना सुकून मिला और बस यही माइंड में घूम रहा था, मजा आया। लेकिन मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था मुझे लगने वाला है बहुत बड़ा झटका। एंड उसके बाद day 19 टू day 30 तक आते आते मेरे शॉर्ट्स के व्यूज इतने डाउन हुए कि फिर से जीरो लेवल पे आ गया। तो उसके बाद आगे के कुछ दिन मेरे बस दुख दर्द पीड़ा में बिताने के बाद माइंड में बस एक ही रोजाना क्वेश्चन घूमता था, वाई ऐसा क्यों हुआ? यही सवाल आपके माइंड में भी कभी ना कभी आया होगा जब आपके शॉर्ट्स को व्यूज बिल्कुल नहीं आते। So let's decode it.
आपकी वीडियो हो या मेरी वीडियो हो, शॉर्ट्स फीड में जाने के लिए हम खुद की वीडियो खुद वॉच करते ही है। ऐसे ही मैं हर एक मेरी शॉर्ट्स 3 से 4 बार हर एक अकाउंट से वॉच करता था, जो एग्जैक्टली सही है, जिससे हमारी वीडियो शॉर्ट्स फीड में जाएगी। लेकिन डे 15 के बाद मैं इतना लालच में आ गया था, मेरी खुद की वीडियो 10-15 बार हर अकाउंट से दिखता था, वो भी लूप में, जिसकी वजह से यूट्यूब एल्गोरिथम को पता चल गया ये फेक रिटेंशन क्रिएट कर रहा है, एंड उसकी वजह से मेरे व्यूज सडनली एकदम से डाउन हो गए। तो जैसे गाइज मैंने कहा था, मैंने बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो कॉपी करके उसको मेरे वे में वीडियो एडिट करके शॉर्ट्स में अपलोड किया था। ये सेम स्ट्रेटेजी गाइज काफी बंदे यूज करते थे तब के टाइम, जैसे कि अगर 10 क्रिएटर ये सेम स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं तो उसमें से मात्र 2 लोग ही है जो वायरल जा सकते हैं और बाकी 8 लोग बिल्कुल नहीं जा सकते, और बाकी 8 लोगों का पार्ट में भी हो गया, जिसकी वजह से मेरा चैनल इतना ग्रो नहीं हो पाया। तो गाइस 30 डे शॉर्ट से इतने बढ़िया व्यूज एंड चैनल ग्रो बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन मैंने ये जरूर सीखा कि अगर हमको शॉर्ट्स में ग्रो होना है तो बस ये 2 पॉइंट हमारे पास होने चाहिए। नंबर 1 इज रिलेटेबल कंटेंट। आपको कुछ ऐसा कंटेंट बनाना है जो ऑडियंस को बार बार देखने की इच्छा होगी, साथ में वो शेयर भी करे। एंड नंबर 2 इज अ कंसिस्टेंसी। अगर ये 2 चीज़ें आपने पकड़ ली तो आपको शॉर्ट्स पे ग्रो होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। एंड नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मेरे से बंदे पूछते रहते कमेंट में, शॉर्ट्स अपलोड कब करें, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शॉर्ट्स वायरल करने के लिए। तो आपको भी परफेक्ट टाइम जानना है कि शॉर्ट्स कब अपलोड करें। साथ में आप भी YouTube से वीडियो अपलोड करते हो ना, जो बिल्कुल गलत है, आपको वीडियो YouTube से अपलोड नहीं करनी है। तो वीडियो अपलोड करने का तरीके से लेकर परफेक्ट टाइम क्या है शॉर्ट्स पे ग्रो करने का, वो जानना है तो क्लिक करो लेफ्ट वाली वीडियो पे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।